रमेनी तिरासी छत्री करे क्षत्रिया धर्मा सवाई वाके बाढ़े कर्मा जिन अवधु गुरु ज्ञान लखाया ताकर मन ताही ले धाया छत्री सो जो कुटुम सु जूझे पांचों मेट एक के बूझे जीव मार जीव प्रतिपारे देखत जन्म आपनों हारे हाले करे निशाने घाव जूझ परे तह मनमथ राऊ मनमथ मरे न जीव जीव ही मरन न होय शून्य राम बिन चले अपन होए छत्री करे क्षत्रिया धर्मा यदि छत्री कहलाने वाले लोग अपने छत्री धर्म का पालन करते हैं तो सवाई वाके बाढ़े कर्मा उनके पुण्य कर्मों की सवागुना वृद्धि हो जाती है अर्थात उन्हें बहुत पुण्य मिलता है सुख मिलता है क्षत्री का क्षत्रिय धर्म क्या है लड़ाई के मैदान में युद्ध करना यह क्षत्रिय धर्म है माना गया है और यदि वह उससे भागता नहीं है लड़ाई के मैदान से किन प्राण रहते तक लड़ाई के मैदान में डटा रहता है तो उसके पुण्य कर्मों की सवागुना वृद्धि होती है यदि क्षत्रि डरता नहीं घबराता नहीं युद्ध छोड़कर भागता नहीं किंतु एकरस युद्ध करता रहता है तो क्या होगा या तो उसकी जीत होगी और जीत होने पर राज्य की प्राप्ति होगी राज्य मिलेगा तो राज्य का सुख भोगेगा और यदि उसकी जीत नहीं हुई लड़ते लड़ते वह मारा गया तो कहा गया कि तब वह फिर स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग में जाएगा तब वहां तो सुखी सुख भोगना है इस प्रकार की बातें कुछ ग्रंथों में लिखी गई हैं समाज में अनेक स्वभाव के लोग होते हैं कुछ लोग अध्ययन मनन करने वाले होते हैं चिंतन करने वाले शास्त्र लिखने वाले होते हैं शांत प्रकृति के कुछ लोगों का मन ये लिखने पढ़ने में नहीं लगता ये थोड़ा साहसी होते हैं वीरता का काम करना उन्हें ज्यादा पसंद होता है ऐसे लोग में अन्याय को न सहन करने का भाव होता है कुछ लोग न अध्ययन मना करने वाले होते हैं न साहसी होते हैं वे चुपचाप अपना काम करना चाहते हैं खेतीबाड़ी का काम व्यापार सौदा खरीदने बेचने का काम जानवर पालने का काम जिस जिनसे जीवन निर्वाह में सुविधा और सहायता मिलती है इस ढंग के कामों में उनकी रुचि होती है कुछ ऐसे होते हैं जो तो ज्यादा स्थूल सेवा का काम करने वाले होते हैं सब समय समाज में ऐसे लोग रहे हैं आज हैं आगे होंगे पूरा काल में समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए लोगों को चार विभागों में बांटा गया था और उन विभागों को ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र कहा गया उनमें जो छत्री है जिन्हें राजन्य भी कहा गया है वेदों में छत्री शब्द प्राय नहीं मिलता वहाँ राजन् शब्द ही आता है आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा भी होगा उपनिषद सौरभ में एक चर्चा आती है उदाहरण भी गुरु जी अनेक बार दिया करते हैं कि एक ब्राह्मण युवक एक राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उनसे प्रश्न किया तो ब्राह्मण युवक पढ़ा लिखा था विद्वान था लेकिन राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका तो उन्हें अपना बड़ा अपमान लगा और वे लौट करके आए अपने पिता के पास और अपने पिता से क्रुद्ध होकर के कहते पिताजी आपने कहा था कि मैंने सारी विद्या तुम्हें पढ़ा दी है लेकिन मैं अमुक जगह गया था और उसने मुझसे अमुक प्रश्न किया तो वहां कहा है एक राजन ने बंधु ने मुझसे प्रश्न किया था और मैं उनसे हार गया तो वहां ने बंधु एक व्यंग में कहा गया है आवेश में कहा गया लेकिन वो छत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है तो छत्रियों का धर्म माना गया है प्रजा की रक्षा करना छत कहते हैं चोट को और त्राण कहते हैं रक्षा करने को छत से जो त्राण करे छत से जो छत चोट से जो लोगों को बचाए वह छत्री है समाज में देश में कुछ लोग शांत प्रकृति के होते हैं कमाते खाते हैं बात व्यवहार करते हैं लेकिन कुछ लोग उधम प्रवृत्ति के होते हैं आराम से बैठना आराम से काम करना खाते पीते जीवन जीना उन्हें पसंद नहीं आता वे दुष्ट प्रकृति के होते हैं अकारण लोगों को सताना लूटना उनके वस्तुओं को छीन लेना ऐसे होते हैं हम ठग चोर बदमाश क्रूरकर्मी हिंसक हत्यारा आदि कहते हैं तो ऐसे जो दुराचारी लोग हैं दुष्ट प्रकृति के लोग हैं कानून द्वारा दंड द्वारा उनका शमन करना उनका निग्रह करना उन्हें बस में रखना जिससे जनता को कष्ट ना हो साथ कुछ हिंसक जानवर होते हैं अब आप आज तो जंगल बहुत कुछ समाप्त हो गया है पहले जंगल बहुत ज्यादा थे उसमें जंगली जानवर काफी रहते थे तो जंगली जानवर भी कई बार बस्ती में आक्रमण कर देते थे लोगों को उठाकर ले जाते थे मार मार डालते थे खा लेते थे तो उनसे प्रजा की रक्षा करना लोगों को बचाना प्रजा को निर्भय करना ताकि वह निर्भय होकर ज्ञानार्जन कर सके धनार्जन कर सके और अन्य कलाओं का विकास कर सके कभी दूसरा राजा अपने राज्य पर चढ़ाई कर दे तो अपने देश की रक्षा देश और प्रजा की रक्षा के लिए भी लड़ना पड़ता था आज भी लड़ना पड़ता है हर देश के नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि यदि दूसरा हमारे देश पर हमला करे तो पूर्वक उसका मुकाबला किया जाए शांति से समझौता करने की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रकृति के होते हैं कि शांति की बात उन्हें पसंद नहीं आती तो ऐसे लोगों का बलपूर्वक निग्रह करना पड़ता है तो यह सब क्षत्रियों का धर्म माना गया और इस तो इंकार भी नहीं किया जा सकता आज भी हैं दुष्ट तो प्रकृति के लोग देखो आतंकवादियों को देखो सामान्य जनता से उनका कोई लेना देना नहीं बेमतलब कहीं बम रख दिए कहीं लोगों को और बंदूक गोली से आज से भून दिए कहीं कुछ और कर दिए तो ऐसे लोगों को बस में करना दंडित करना ये राजा का सरकार का कर्तव्य है तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता और समाज में कुछ लोगों को यह अधिकार दिया गया कि भाई तुम्हें ये ये काम करना जिसे आज पुलिस वालों को अधिकार दिया गया है क्यों है कि कहीं चोर डाकू बदमाश हो तो उनको पकड़ो उन्हें दंडित करो जेल भेजो कुछ लोग सेना में हैं मिलिट्री में भर्ती हैं कि बॉर्डर में किसी प्रकार का उत्पात ना होने पाए अन्य देश के लोग हमारे देश में घुसकर उत्पात ना कर सकें हमला ना कर सकें हमला करें उनका मुकाबला किया जाए हर समय ऐसा हुआ है और आगे भी होता रहेगा तो जो लोग लड़ने भिड़ने वाले हैं अब आज दूसरे ढंग की लड़ाई है पहले दूसरे ढंग की लड़ाई होती थी तो जो लड़ने भिड़ने वाले हैं जिन्हें पहले छत्री कहा गया था तो उन क्षत्रियों के मन में ये लड़ाई के प्रति प्रेम बना रहे उनके लड़ने का स्वभाव उनके लड़ने की प्रवृत्ति बनी रहे इसके लिए इस लड़ने भिड़ने युद्ध करने को पुण्य का काम माना गया और इसकी बड़ी महिमा की गई और ये कहा गया यदि छत्री लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते मारा गया वीरगति को प्राप्त हो गया तो सीधे वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा स्वर्ग में जाएगा और कहीं जीत लिया तो राज्य की प्राप्ति होगी इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है ताकि लोग लड़ते भिड़ते रहें, लेकिन है ये अतिशयोग ऐसा होता नहीं है जीत लिए तो राज्य तो मिल गया तो राज्य किसको मिला एक हुआ राजा बाकी लोगों को क्या मिला उनको तो केवल जो वेतन मिलना था वो वेतन मिल गया और मर गया तो स्वर्ग मिल जाएगा ये कैसे कहा जा सकता है गीता में भी जब अर्जुन का मन लड़ने को नहीं हुआ और उन्होंने धनुष डाल दिया ठीक है कि अर्जुन ने धनुष इसलिए डाला कि देखा कि सामने पक्ष में जिनसे मैं लड़ने के लिए आया हूं वहां कोई हमारा गुरु है कोई चाचा है कोई मामा है कोई भाई है कोई भतीजा है सब अपने सगे संबंधी हैं। दूसरा वहां कोई है नहीं तो लड़ाई कैसे की जाए तो उनको देख कर अर्जुन ने कहा कि नहीं हमें लड़ना नहीं है यद्यपि वही अर्जुन अनेक बार लड़ाई कर चुके थे अब बहुतों को मार चुके थे लेकिन वहां पर उन्होंने अपना धनुष बांध डाल दिया और कहा था कि श्री कृष्ण इस लड़ाई में दूसरे कौन लोग हैं सभी तो हमारे संबंधी हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य और भी अनेक लोग कृपाचार्य द्रोणाचार्य तो गुरु थे द्रोणाचार्य उनके शस्त्र गुरु थे कृपाचार्य कुल गुरु थे भीतम पितामा तो पितामा थे ही और अनेक लोग थे कहा कि इनसे लड़कर के क्या मिलेगा हम? अपने ही सुहृदों को मार करके राज्य मिल भी जाए तो फायदा क्या होगा नहीं लड़ना है हमको और फिर इस लड़ाई में क्या होगा जितने युवक हैं जवान हैं जितने ज्ञानी सूरवीर विद्वान हैं ये सब के सब मारे जाएंगे बचेंगे कौन बूढ़े बच्चे अशक और स्त्रियां तो बूढ़े बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा फिर स्त्रियों में वे विचार फैलेगा वर्ण संकरता फिर उत्पन्न होगी ये तो समाज का पतन होगा तब कहा गया कि अर्जुन को मुंह हो गया और कृष्ण ने उन्हें समझाया और वहीं पर गीता का उपदेश दिया और उसे समझाने के दरमियान में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन तुम कायर क्यों बन रहे हो तुम्हारा धर्म है लड़ना जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान से भागता पीड़ दिखाता है वह नरक में जाता है इसलिए तुम कायर बनकर इससे भागो मत लड़ो लड़ते लड़ते तुम्हारी विजय हो जाएगी तुम्हारी जीत होगी तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी और कदाचित तुम लड़ते लड़ते मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा दोनों प्रकार से तुम फायदे में हो इसलिए लड़ाई करो वहां पर श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया कि यदि लड़ते लड़ते अर्जुन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाते तो क्या गति होती ये भी तो हो सकता था आज भी होता है लड़ाई होती है न मारा गया ना जीत हुई कई बार पुलिस लोग पकड़ लिए और जेल में डाल दिए तब कौन गति होती है राज्य मिलता है स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है कि और क्या मिलता है और अंत में लड़ाई हुई तो अर्जुन ने जो कहा था कि सारे के सारे जवान लोग मारे जाएंगे सुरवीर ज्ञानी विद्वान कलाकार लोग मारे जाएंगे बचेंगे बूढ़े बच्चे महिलाएं और फिर वर्ण संकरता फैलेगी जो कुछ अर्जुन ने कहा था अंत में वही हुआ था और परिणाम कौरव पक्ष में अधिकतम लोग मारे गए जो बचे रहे वे केवल दुखी और पीड़ित तो होते रहे पांडवों की विजय हुई तो क्या हुआ परिणाम जीवन भर जलते रहे सुखी जीवन थोड़े जी पाए जो अपने दादा बाबा नाना काका मामा गुरु को मारकर गद्दी पर बैठेगा वो सुखी कैसे होगा उसे शांति कहां मिलेगी और साथ साथ उनके चारों भाई जीवन पर्यंत पीड़ित रहे और कथानक के अनुसार न लड़ते हुए लोग तो कोई नुकसान नहीं होता जैसे कहानी है उसके अनुसार जिस समय महाभारत युद्ध का युद्ध हुआ है उस समय युधिष्ठिर की उम्र कम से कम रही होगी पचासी नब्बे साल की और अर्जुन भी सत्तर पचहत्तर साल से कम थे नहीं पचहत्तर अस्सी साल को भी रहे होंगे अब पचहत्तर अस्सी साल का बूढ़ा लड़ेगा कितना दिन करेगा राज्य करेगा फायदा क्या होगा हुआ इससे खैर जो हुआ सो तो हुआ आ तो वो लोग हैं नहीं गए कैसे कहा जाए तो बात तो यहां से निकली थी कि लड़ाई की बड़ी महिमा गाई गई और पहले तो क्या होता था अब आज तो प्रजातंत्र का जमाना है आज किसी देश में हमला करना होता है तो बहुत सोच विचार करना पड़ता है कि पूरी दुनिया एक हो गई है भले कोई रोक ना पाए जैसे अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो दो चार देश भले उसके समर्थन के लिए लेकिन पूरी दुनिया में निंदा हुई उसकी अमेरिका में निंदा हो रही आज तक आज सहज नहीं रहा गया है पहले ऐसा कहा था एक ही देश में कितने छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और वे आपस में लड़ा करते थे एक दूसरे के राज्य को हड़पा करते थे उसमें प्रजा तबाह होती थी लड़ाई में तबाही के अलावा फायदा कुछ नहीं होता पहले राजा लोग सेना लेकर चलते थे जिधर से सेना जाती थी हाथी घोड़ा फौज फक्कड़, उधर की पूरी धरती पूरी फतल रौंद जाती थी गांव के गांव उजाड़ हो जाते थे शाम हुई कहीं लंगा डाले रुके सिपाही गए गांव के घरों से लूट करके सामान ले आए खाने पीने का और सब प्रजा पीड़ित और ऐसे प्रजा को पीड़ित करके हजारों लाखों लोगों को मारकर अनेक राजाओं को अपने अधिकार में करके बहुतों को लूट करके माहिंता हत्या करके जो अपने अधिकार में कर लेते थे वही कहलाते थे महाराजाधीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज का मतलब हुआ महालुटेरा महाहत्यारा जो महालुटेरा हत्यारा होता था वो कहलाता था धीराज और उनकी बड़ी प्रसिद्धि होती थी सिकंदर महान कहा जाता है सिकंदर की महानता लोगों को खाली लूटने फूकने और मारने में ही इसके अलावा कौन सी महानता रही उनमें ऐसे कोई भी हो असमेध यज्ञ होता था रासु यज्ञ होता था असमेध यज्ञ किए एक घोड़ा को मंत्र द्वारा अभिशक्त करके छोड़ दिए अब घोड़ा पीछे चल रही है सेना घोड़ा जिस जिस रास्ते से जिस जिस गांव में जिस जिस राज्य से होकर गुजरता गया वह क्षेत्र देश गांव राज घोड़ा छोड़ने वाले राजा का हो जाता था और जिसने उसे पकड़ लिया उसे फिर लड़ाई होती थी लड़ाई होकर के या तो हार जाता था तो उसके अधीन हो जाता था या फिर उस, उसे अपना अधीन करके कर उसे छोड़ देते थे उसे टैक्स वसूलते थे जो लोग नहीं पकड़ते थे घोड़ा उन्हें मान लिया जाता था कि हमारे अधीन हो गए अब उनसे टैक्स वसूलना है इतना टैक्स दो तो अश्वमेध यज्ञ खुली लूट का पक्का साधन लेकिन इसकी इतनी महिमा गाई गई इतनी महिमा गाई गई है इसे इतना पुण्य का काम बताया गया है कि क्या कुछ ना असमेध यज्ञ में सिवा जनता को की तबाही लूट और हत्या के कुछ फल नहीं भी होता था हाँ ये काम पुण्य का होता था और पुण्य का काम क्या होता था लूट का जो सामान मिला रहता था दक्षिणा में ब्राह्मणों को मिल जाता था बस ये सबसे बड़ा पुण्य का काम था इसी के लिए कह दिया गया कि यज्ञ कि बड़ा पुण्य का काम लाखों लाखों को लूटो और दो चार पुरोहितों को दान दक्षिणा दे दो बस कितना बड़ा पुण्य का काम है ये सब लड़ाई के नाम पर क्षत्रिय धर्म के नाम पर हुआ करता करते थे इसमें क्षत्रियों की को पुण्य होता था कहा गया सबसे बड़ा देवता जिसके नाम पर लाखों लाखों की हत्या को जायज माना गया वो है राष्ट्र देवता वैसे देवता के नाम पर बलि दो तो पाप माना जाता है लेकिन राष्ट्र के नाम पर लाखों लाखों हत्या कर दी जाए तो पाप नहीं माना जाता ठीक है कि हर देश के नागरिक का कर्तव्य होता है अपने देश की रक्षा करें राष्ट्र रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा भी नहीं होगी राष्ट्र रक्षा नहीं होगी तो कोई काम आदमी स्वतंत्र पूर्वक नहीं कर सकता हम लोग यहां स्वतंत्रता पूर्वक बैठकर जो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जब हमारा राष्ट्र आजाद है स्वतंत्र है तब गुलाम होते हम इतनी स्वतंत्रता से बैठकर कैसी चर्चा थोड़ी कर सकते थे तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य है लेकिन हम दूसरे के देश पर हमला करने लग जाएं या हमारे देश पर कोई हमला करे यह गलत है और इस हमला करने को दूसरे के देश पर चढ़ाई करने को क्षत्रियों का धर्म बताया गया है अनेक शास्त्र कह जाने वाले ग्रंथों में इसको लिख दिया गया है अब जब सा में बात लिख दी जाती है तब धर्म का क्षेत्र आ गया वहां निंदा नहीं हो सकती है तो उन्हीं बातों को लेकर साहब, साहब ने कहा साहब ने देखा था साहब के जमाने में तो कितने रजवाड़े थे और समय हुआ था मुसलमानों का आक्रमण अब ये तो और लुटने फूकने वाले वाले एक तो उन्हें अपने धर्म का जोश संप्रदाय का और दूसरा हाथों में ताकत उसके अलावा जो हिंदू रजवाड़े वे भी आपस में लड़ा करते थे भारत आजाद हुआ है उस समय भी लगभग 600 राज्य भारत में मिलाए गए कितना अब समझ आज हमारे देश में कितने राज्य हैं आज उत्तर प्रदेश का ही कितना बड़ा राज्य है लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में ही बहुत राज्य थे छोटे छोटे जमींदार राजा सामंत और उनका काम आपस में लड़ना लुटना तो उनको साहब ने देखा था और इधर सुन भी रहे थे साहब कि पुरोहित ब्राह्मण का मन लोग कैसे छत्रियों को प्रेरित करके लड़ाते रहते थे उनका अपना स्वार्थ था छत्री लड़ते थे लड़ने में हिंसा होती थी हिंसा में पाप होता था पाप से छुटने के लिए यज्ञ होता था यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा मिलती थी कुल पर अंत में जाकर के वहीं पहुंचना होता था इसलिए पुरोहित लोग हमेशा छत्रियों को उकसाते रहते थे लड़ने के लिए ताकि ये शांत न बैठे छतरी शांत बैठ जाएंगे तुम्हें लूट का सामान मिलेगा नहीं लूट का सामान नहीं मिलेगा तब तो बुरहितों को अधिक दक्षिणा मिलेगी कहां से इसलिए कह दिया गया कि क्षत्रिय लोग युद्ध में के मैदान में लड़ते हैं तो यह उनका छत्री धर्म है इसी के लिए कहा गया क्षत्रिय करे क्षत्रिय धर्मा सवाई वाके बाढ़े कर्मा छत्रिय लोग यदि छत्री धर्म का पालन करते हैं लड़ते हैं लोगों को लोगों को मारते काटते हैं प्रजा की रक्षा अच्छा करते हैं तो उन, उनका धर्म बढ़ता है उनके पुण्य की वृद्धि होती है और वे स्वर्ग में जाते हैं जिन अवधु गुरु ज्ञान लखाया ताकर मन ताही ले धाया। जिन अवधु अवधु का अर्थ होता है त्यागी लेकिन यहां अवधु का अर्थ है गुरु पुरोहित धर्म गुरु जिन धर्मगुरुओं ने अपने शिष्यों को जिस ढंग की बातें बता दी है उन शिष्यों का मन उन्हीं बातों को लेकर दौड़ रहा है उन्हीं बातों को उन लोगों ने सत्य मानकर स्वीकार कर लिया है धर्मगुरु जो कहे वो सही धर्मगुरु की बात पर तर्क कैसे करोगे उसे इंकार कैसे करोगे अब गुरुओं ने कह दिया है राजाओं को कि लड़ना भिड़ना चढ़ाई करना हमला करना यह तुम्हारा धर्म है अगर तुम ऐसे लड़ते भिड़ते नहीं कि चढ़ाई नहीं करते हो तो तुम छत्र धर्म से च्युत हो जाओगे नरक में जाओगे इसलिए प्राय क्षत्रिय लोग लड़ा करते थे बाहरी लड़ाई नहीं होती थी तब शिकार खेलने के लिए जाते थे शिकार खेलने को भी उनका धर्म माना गया है पहले कहा गया कि जो जंगली जानवर हैं उन जंगली जानवरों से प्रजा की रक्षा करना आवश्यक है लेकिन जंगली जानवर हमला नहीं कर रहे हैं शिकार करने के लिए जा रहे हैं और वहां जो जानवर मिल रहे हैं उन्हें मार रहे हैं इसलिए वैसा कहते थे कहते थे कि यदि इसी बहाने क्षत्रिय लोग जाकर के शिकार करेंगे तो अब शिकार तो ऐसे तो आएगा नहीं किसी कोई जानवर देखेगा तो उसको भागेगा उसके छत्रियों को भागना पड़ेगा तो भागने से उनका दौड़ने का स्वभाव बना रहे शरीर बलवान बना रहे और तीर तलवार चलाने का अभ्यास बना रहे तो शिकार करने को भी कह दिया गया कि क्षत्रिय धर्म है लेकिन ये धर्म नहीं है जहां मजबूरी होती है वहां लड़ना आवश्यक है जैसे पहले कहा गया कि हमारे देश में कोई हमला करे तो हमारा कर्तव्य होता है केवल जो सैनिक हैं, बॉर्डर पर उनका कर्तव्य नहीं है पूरी प्रजा का कर्तव्य है समय पड़े तो प्रजा भी वहां लड़ाई के मैदान में जाए और न जा सके तो जो बार्डर में सैनिक लड़ रहे हैं जिस किसी प्रकार हो उनको सहायता पहुंचाए उनकी रक्षा करे ताकि वे देश की रक्षा कर सके लेकिन हम लोग जाकर के दूसरे देश में हमला करें तो गलत है किसी को भी अधिकार नहीं है कि दूसरे के देश में जाकर के हमला करे और किसी निरपराध को मारे लेकिन छत्रियों का धर्म बता दिया गया शास्त्रों में लिख दिया गया तो साहब यहां पर उसी को कहते हैं कि जिन अवधु गुरु ज्ञान लिखाया ताकर मन ताही ले धाया। जिन धर्म गुरुओं ने जिसको जैसी बात बता दी है उन शिष्यों के मन में वही बात डिल हो गई है उसी को वे लोग मार रहे हैं उसके अनुसार से काम कर रहे हैं छत्री सो जो कुटुम्ब सो जूझे पांचों मेट एक के बूझे अब यहां पर साहब बताते हैं कि वास्तविक छत्री कौन है आध्यात्मिक अर्थ यहां साहब लेते हैं वास्तविक छत्री वह है जो अपने कुटुंब को मार करके जो अपने कुटुंब से ही युद्ध करता है और पांच को मारकर एक को, को गद्दी पर बैठाता है इस बात को कुछ सुने छत्री सो जो कुटुंब जूझे पांचों मेट एक को बूझे छत्री वह है जो अपने कुटुंब से जूझता है लड़ाई करता है झगड़ा करता है और पांच को मार करके अपने बेटे को गद्दी बैठा देता है जाकर के आदमी ऐसा करने लग जाता होता तब तो हो गया था मासा। यहां कुटुंब अपने विकार अपने जो दोष हैं पांच ज्ञानेंद्रियां काम क्रोध आदि ये कुटुंब है साहब कहते इनसे जो युद्ध करता है पांच ग्याने, पांच ज्ञानेन्द्रिया आंख नाक कान जीभ त्वचा ये हर आदमी के पास है और इनकी आसक्तिवश हर आदमी पीड़ित है दुखी है तो जो अपने इन कुटंबियों से और काम क्रोध लोभ मुंह भय ये पांच मुख्य हैं तो ये काम क्रोध लोभ मुंह भय इन शत्रुओं से जो युद्ध करता है अयुद्ध करके इन्हें अपने बस में करता है इन पर विजय प्राप्त कर लेता है और पांचों मेट पांच ज्ञानेन्द्रियों को अपने बस में करके संयमित करके एक के बुझे, एक अपने आत्मा राम को जो बुझता है जीव का साम्राज्य स्थापित करता है वह वास्तविक क्षत्रिय है दूसरों को मारना क्षत्रियत्व नहीं है असली क्षत्रियत्व तो है अपने विकारों को मारना अपने दोषों को मारना अपने इंद्रियों को अपने वश में करना और ऐसा नहीं हो पाता है बड़े बड़े खुंखार लोगों को मारने वाला व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों की गुलामी करता है इंद्रों की आसक्ति में पड़कर स्वयं कुकर्म करने वाला लुटेरा बन जाता है तो कहां क्षत्रियत्व है कहते बाहर लड़ो मत लोगों के साथ तो प्रेम से व्यवहार करने की आवश्यकता है अब तुम पर जो हमला करे उसे अपने रक्षा करो लेकिन बाकी समय तो प्रेम से रहो तुम्हारा असली शत्रु तो तुम्हारे मनोविकार हैं काम क्रोध लोभ मोह भय है और जिंदगी पर्यंत इन शत्रुओं से लड़ाई लड़ते रहने की आवश्यकता है ऐसा नहीं है कि एक बार काम क्रोध लोभ मोह भय पर विजय प्राप्त कर लिए तो सदैव सदैव के लिए अभी समाप्त हो गए ऐसा नहीं है ये काम क्रोध लोभ मोह आदि जो शत्रु हैं ये रक्त बीज हैं ये पुनः पुनः जीवित होते रहते हैं जितना इनको मारो उतने बार इनके इनके जीने की संभावना रहती है यदि हमारी असावधानी हुई तो जो एक बार इनको बस में कर लिए अब पूरी तरह से सावधान हो गए जागृत है उसके बस में ये सदैव रहते हैं पांचों मेटी एक की पूछे कहते पांच ज्ञानेन्द्रियों को अपने बस में करो यदि ज्ञानेन्द्रिया बस में नहीं है तो शांति का राज्य जीवन में स्थापित नहीं हो सकेगा आदमी चाहता क्या है सुख आनंद शांत लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब इंद्रिया चंचल बनी हुई है और हम इंद्रियों के बजबूत होकर दौड़ रहे हैं कहते हैं इंद्रियों को अपने वश में कर लो और एक को बुझना एक अपने जीव का साम्राज्य स्थापित करो जिन्होंने काम करो लोभ मुंह भय पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया उसके जीवन में अपने आत्मा का राज स्थापित हो गया और ऐसा करने वाला ही असली छत्री है जीव हमारे जीव प्रति पारे देखत जन्म आपनो हारे लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करते इंद्रियों को स्वस्थ नहीं करते करते क्या हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर जीव मारे निरी प्राणियों की हत्या करते हैं और अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करते हैं अपना अपने कुटुबी को पालन पसंद करते हैं देखत जन्मा आपनो हारे ऐसे लोग तो देखते देखते अर्थात जान जान समझकर अपने जीवन को हार रहे हैं आदमी मेहनत करता रहे तो उसे जीवन निर्वाह की कमी नहीं होगी कभी भी लेकिन आदमी लोभ में पड़ जाता है स्वार्थ में पड़ जाता है ठीक है स्वार्थ भी चाहिए आदमी को लेकिन ऐसा घृणित स्वार्थ किस काम का जिस काम जिस स्वार्थ के पीछे दूसरों को हैरानी हो दूसरों के अधिकारों का हनन हो दूसरों की चीजों को लूटना पड़े दुख देना पड़े ये तो घृणि स्वार्थ है और ऐसा घृणित स्वार्थ जब अधिक बढ़ जाता है तब आदमी संयमित नहीं रह पाता वह कुकर्म करेगा ही करेगा तो यही बात यहां से आप कहते हैं कि जीव मार जीव प्रतिपारे जीवों को मारकर जीवों की रक्षा करता है यहां जीव मारने कर निरी प्राणियों की हत्या दूसरों को लूटना, फूकना सताना और जीव प्रतिपालन अपने कुटुंब के माने गए लोग हैं उनका और अपना प्रतिपालन करना तो फल क्या होगा जो दूसरों को सताएगा वह स्वयं एक न एक दिन सताया जाएगा ही किसी का अन्याय अधिक दिनों तक नहीं चल सकता किसी का दबदबा सदा नहीं रह सकता और गाया गया है भजन में सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का किसी का जमाना सदा नहीं रहेगा बड़े बड़े अत्याचारी आए कहां रह गए मुसुलनी हिटलर तैमूरलंग नादिर शाह और भी बड़े क, बड़े कहलाने वाले ताना शाह आए क्या फल हुआ ऐसा लगा कि मानो सदैव उनके अधिकार में दुनिया रहेगी और समय ऐसा करते रहेंगे लेकिन उनका अंत देखो तो कैसा भयानक अंत होता है उनका हिटलर दुनिया का क्रूरतम तानाशाह कितने कितने लोगों को मार डाला गैस चैंबर में डालकर बंद कर देते थे गैस चालू करके देते थे तो उसी में घुट घुट गुड़ करके मर जाते थे हजारों हजारों लोग और रोज ऐसा करता रहा और अंत में क्या हुआ अंत में से आत्महत्या करके मरना पड़ा ऐसा लग गया कि अब मैं बचूंगा नहीं मां पकड़ लिया जाऊंगा मार डाला जाऊंगा तो, तो आत्महत्या करके मारा तो जो सताएगा वो खुद सताया जाएगा और लिए लिए आप कहते हैं कि ऐसे लोग देखत जन्म आपनों हारे देखते देखते जानते बूझते हुए भी अपनी जीवन की बाजी को हार जाते हैं ऐसे लोगों का अंत बड़ा दुखद होता है कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने कुटुंबियों के पालन पोषण के लिए किसी को सताओ मत हाले करे निशाने घाव जूझ पड़े तहा मन इस पंक्ति में भी साहब ये बात कहते हैं ऐसे स्वार्थी लोग थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए या अपने प्रतिकूल बात पाकर उत्तेजित होकर तुरंत हाले करें निशाने घाले हाले का अर्थ है जल्दी शीघ्र तो थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़े स्वार्थ के लिए लोग दूसरे प्राणियों की हत्या करने लग जाते थे निशाने घाव तीर तलवार से नहीं चोट पोचाने ने लग जाते थे निशाना बनाकर उन पर वार करते थे दूस पर राव। ऐसे जो उन्मादी राजा लोग हैं वे बात बात में दूसरों से लड़ाई ठान लेते थे युद्ध में भिड़ जाते थे कितने लोगों स्वभाव होता है थोड़े थोड़े बातों में उत्तेजित हो जाना लड़ना परिणाम क्या होता अपने को चोट दूसरे को चोट अपना आसान दूसरा आसान आज लड़ाई दूसरे ढंग की है यही इलाहाबाद में पता नहीं सज्जन है या नहीं है सज्जन ही कहना चाहिए एक बार उनके यहां हम लोगों को एक किताब छपवानी थी बहुत दिन हो गए पहले पहले उस समय आपसे शुरू हो गया था लेकिन इतना प्रतलन नहीं था एक किताब छपानी थी तो उनके यहां कंपोज के लिए दिए तो यह गए तो बताया कि अमुक जगह दिए हैं तो कह रहे अरे उनके यहां दिए हैं तो जरा सावधान रहना वे बात बात में मुकदमा करने वाले हैं थोड़े थोड़े बातों के लिए तो ऐसे एक बार गए थे तो थोड़ी बात हो रही थी किसी ने कहा कि देखो बाबू जी ऐसा है उन्होंने इतना पैसा दिया है एक इतना पैसा बकाया है पंद्रह दिन हो गया है, देने रहे हैं ऐसा है मुकदमा करो उस पर सौ रुपया कर मुकदमा करो उस पर ऐसे मुकदमे बात लड़ने भेलने और उनकी उम्र सत्तर पचहत्तर साल से कम नहीं रही होगी अब आज तो मारने पीने जमाना है नहीं लड़ इस वक्त मुकदमा ये क्या है अपने स्वभाव को खराब करना समय शक्ति को बर्बाद करना पहले लोग मारने पीटने के तत्पर हो जाते थे तो ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं उनका स्वार्थ इतना बढ़ जाता उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि बात बात में वे दूसरों पर तीर तलवार चला करके उनकी हत्या कर देते थे उन्हें चोट पहुंचाते थे बात बात में लड़ने भिड़ने लग जाते थे अभी गए थे कह, हम लोग काठमांडू तो व्यंग है व्यंग में लोग कहा करते थे तो ऐसा हुआ कि दिन कहीं जाना तो घूमने के लिए कहा तो कल तो काठमांडू बंद है तो क्यों बंद है तो अमुक कारण से तो कह रहा था अब ये तो काठमांडू है यहां बंद होता रहता था यहाँ ऐसा बंद हो जाता था अमुक आदमी ने सड़क पर पेशाब कर दिया है इसलिए कल काठमांडू बंद होगा अमुक नेता की पत्नी ने सब्जी में नमक अधिक डाल दिया इसलिए तो कल काठमांडू बंद रहेगा ये तो ऐसा होता है यहां पर वो व्यंग है ऐसा नहीं होता है तो कुछ लोगों का स्वभाव पहले राजा महाराजा लोग थे वो लोग ऐसे लड़ा करते थे तो साहब कहते हैं ऐसे उन्मादी लोग केवल दूसरों को पीड़ा देन पहुंचाना जानते थे और अंत में पश्चाताप करते थे अंत में अब साहब दूसरी बात कहते हैं आध्यात्मिक दिशा में इस चीज को ले आते हैं मनमत मरे न जीवे जीव ही मरन न होने नहीं राम बिनु चले अपन मनमत जो मन को मत दे वह मनमत वे कौन है मनोविकार काम क्रोध लोभ मुंह भय राग द्वेश ये सब के सब मनमत है इसके पहली पंक्ति में साहब ने कहा है जूझ पर मनमथ राव वहां मनमथ का अर्थ है मनमती राजा मनमति लोग लेकिन इस पंक्ति में जब साहब कहते हैं मनमथ मरे तो यह मनमथ का अर्थ है मनोविकार वैसे मनमत रूढ़ हो गया है काम वासना के लिए लेकिन खाली कांव वासना नहीं जितने भी विकार हैं सब मनमत हैं क्रोधाया मन चंचल व्याकुल उत्तेजित अब आदमी अपने आप में नहीं रह पाया था ज्ञान विवेक विचार बुद्धि सब नष्ट क्रोधाया विवेक नष्ट हो जाता है बुद्धि नष्ट हो जाती है ये क्रोध के परिणाम में पहले हमने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं कैसे कैसे हन उठाना पड़ा सब भूल गया काम का विकार आया आदमी व्याकुल बुद्धि विवेक नष्ट अत्यंत काम कामाशक्ति कामा बढ़ गई नीति नियम मर्यादा शिष्टाचार सब सब खत्म लोभाया मोह आया तो ये सब के आने पर मन मथ जाता है एकदम इसलिए इन विकारों को मनमथ कहा गया है यहां तो आप कहते हैं मनमथ मरे मनमथ मनोविकार मर जाए शांत हो जाए ये शांत कैसे होंगे संयम से नियम से साधना से विवेक विचार से जो साधक जो व्यक्ति नियम से चलकर संयम साधना से चलकर सेवा भक्ति सत्संग करते हुए विवेक बरा के पथ पर चलकर अपने मनोविकारों को शांत करने के प्रयत्न में लगा रहता है और निरंतर साधार रहता है इससे गाफिल नहीं होता तो धीरे धीरे करते करते उनके मनोविकार मर जाते हैं अथा शांत हो जाते हैं साहब ठीक है, है। मनोविकार शांत हो गए लेकिन सह कहते हैं न जीवे फिर से ये न जीने पाए एक बार मनोविकार मर गए तो काम बन गया ऐसा नहीं साहब ठीक है अच्छा अच्छी बात है तुमने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली लेकिन फिर से ये न जीने पाए जहां असाधान हुए कि फिर से जी जाएंगे और ऐसा जिएंगे कि तुम्हें फिर रगड़ डालेंगे फिर इन्हें मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो यदि यह मनोविकार मर जाए शांत हो जाए और इस प्रकार से मरे कि इनके जीने की संभावना समाप्त तो हो जाए और कब जब पूर्ण विवेक वैराग्य मन पर छाए रहेंगे मन हमेशा विवेक वैराग्य ढला हुआ होगा हमेशा मन स्वर्ग ज्ञान की मस्ती में रमता होगा शरीर संसार भोगों की आपात रमनीता क्षण में रमता होगा तब मनोविकार जीवित नहीं होंगे और जहां कहीं मन में शरीर संसार के प्रति मोह बुद्धि आई सुख बुद्धि आई फिर तो मनोविकार को उगने में जागने में जीवित होने में समय नहीं लगेगा इसलिए पदम में कहा गया है सुभान जो सर्वत्र शुभ देखता हुआ घूमता है उसके मनोविकार कभी शांत नहीं होते वह मनोविकारों से पीड़ित रहता है शुभ देखने का अर्थ क्या है शरीर में सुख है भोगों में सुख है सम्मान में सुख है धन में सुख है अधिकार में सुख है शासन स्वामित्व में सुख है यह सोचना शुभ देखते हुए घूमना है शरीर संसार धन दौलत अधिकार को स्थाई मानना यह शुभ देखते हुए घूम, विचरण करना है तो ऐसा जो विचरण करेगा जिसकी बुद्धि में सब की नित्यता का बोध है सुख बोध रहेगा उसके विकार शांत नहीं हो सकते लेकिन जो जो देखता है अशुभ को देखता है अशुभ कहा गया है अशुभ देखने का अर्थ यह नहीं है कि सब जगह घृण देखना अशुभ देखने का अर्थ है शरीर क्षणभंगुर है संसार के भोग पदार्थ क्षणभंगुर हैं दुख रूप है प्रतनशील है बंधनों का कारण है इस रूप से जो तो देखता रहता है उसके मनोविकार समित रहते हैं शांत रहते हैं तो यही बातें कहते हैं मनमत मरे न जीवे मनमत शांत हो जाए पुनः जीवित तो न हो तो क्या होगा जीव ही मरण न होए, जीव को पुनः मरना नहीं होगा वह अमृत को प्राप्त कर लेगा जीव अमर तो है ही लेकिन जी ऐसा अमर जी जन्म मरण के चक्कर में क्यों घूम रहा है क्योंकि मनोविकार है कामनाएं हैं हमारी जो कामनाएं हैं वासनाएं हैं यही जन्म मरण का कारण है अमर जीव कामनाओं के अधिभूत होकर के बार बार मरता है बार बार शरीर धारण करता है जिसके मन की सारी कामनाएं मिट गई वह जन्म चक्कर से मुक्त हो गया जीव अमर है सिद्धांत है व्यवहार क्या है कामनाओं को मिटाना काम यही करना है तो जीव ही मरण न हो जब कामनाएं मनोविकार पूरी तरह से शांत हो गए तब जीव के लिए यह अंतिम जन्म होगा अंतिम बार यह शरीर छोड़ना होगा फिर जन्मना नहीं होगा शरीर छोड़ने के चक्कर से वो बच जाएगा लेकिन शून्य ही बिनु चले अपन पौ खोए जो शून्य के प्रेमी लोग हैं वे राम को जाने बिना अपने आपा को अपने सत्व को खो कर के दुनिया से जा रहे हैं शून्य का प्रेमी कौन शून्य क्या है जो आज है कल ना रहे वो शून्य है और दुनिया के सारे भोग ऐसे हैं कोई भोग स्थिर नहीं हमारा शरीर स्थिर नहीं है तो अन्य भोगों की बात कैसे कहें जो नित्य बदलता रहे एक रस न रहे और अंत में मिट जाए वह तो शून्य है और ऐसे क्षणभंगुर भोगों में प्रेम करने वाला स्नेही का मतलब क्या है प्रेम करने वाला उनमें आसक्त होने वाला राग करने वाला ऐसे छनभंगूर भोगों में आसक्त व्यक्ति राम बिन वह राम को नहीं जान सकता क्योंकि जो शून्य की कामना करेगा शून्य की उपासना करेगा उसने में आसक्त होगा क्या मिलेगा अंत में शून्य का शून्य ही तो मिलेगा शून्य है बंशे शून्य गयू हाथा छोड़ी बेहाथा भैय भोगों में डूबे हुए आदमी को अंत में क्या मिलता है पश्चात आप हाथ कुछ नहीं आता जिंदगी भर आप संसार के पीछे दौड़ते रह जाएं और मौत का समय जब आएगा तो आपका हाथ खाली का खाली रहेगा आपका अधिकार में कुछ नहीं रहेगा केवल फल मिलेगा शून्य तो ऐसे जो शून्य हो जाने वाले प्राणी पदार्थ हैं भोग विषय हैं उनकी आसक्ति में डूबे हुए लोग राम बिनु राम को जाने बिना अपने आपा को जाने बिना सत्य को जाने बिना चले अपन पाव खोए अपने आपा को न जानकर अपने आपा को विस्मृत कर अपने आपा दूर कर से दूर जाकर संसार से पछताते पछताते विदा हो रहे हैं इसलिए साहब कहते हैं इस साखी में दो बात कि एक तो मनोविकारों पर विजय प्राप्त करो और दूसरी बात क्षणभंगुर भोगों में कहीं प्रेम न करो आसक्ति न बनाओ उनमें आसक्ति बनाओगे तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा और यदि भोगों के प्रेम को छोड़कर मनोविकारों को नष्ट कर दिए तो तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी और अपने इन मनोविकारों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही असली छत्री है